हे गाइज वेलकम बैक टू द मडरेड पंडिट्स अ चैनल फॉर द मर्डेड स्टार्स बाय द मडरेड स्टार्स एंड ऑफ द मडरेड स्टार्स तो यार मेरा प्लान था कि मैं मडरेड चर्जी का ट्रैक्टिकल अनालिसिस करूंगा थोड़ा तो सा ब्रेक डाउन करूंगा लेकिन 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 जावी हर्नंदिस हैड अदर प्लान फॉर अस गाइज जी हाँ भाई साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बख्शुदी पे लिया है दबा के बख्शुदी पे लिया है इनफैक्ट बंदे ने बोला है दैट एंड आई कोट इफ वी डोंट विन बाय प्लेइंग वेल वी आर नॉट हैप्पी एंड उसने ये भी बोला है कि बारसा इज हिस्ट्री हैज डिमांड्स ऑफ अस नॉट ऑफ मडरिड ऐसा भी उसने बोला है तो क्लियरली ऐसा इसकी इम्प्लीकेशन देख रहे हैं कि रियल मडर डिट प्ले वेल अगेंस्ट चर्जी अकॉर्डिंग टू हिम एंड बार्सल आई वुडेंट हैव बिन हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस हैड इट्स जस्ट हार्ड इट्स जस्ट हाउ वी कैटेलास आर एंड आई डोंट नो अबाउट वॉट गोज ऑन इन मडरिड तो ये मडर डि नॉट प्ले वेल अगेंस्ट चर्जी डेफिनेटली बट ही डिड नॉट हैड टू ब्रिंग द कम्पेरिजन विद बारसा मतलब इसके इंप्लीकेशन क्या हो गए मतलब तुम्हें क्या मिल जा रहा है अगर तुम बारशाह से कंपेयर कर रहे हो मार्डेट को है ना मतलब अगर कंपेरिजन की बात कर लें तो फिर हम सक्सेस को ही बीच में घुसेट लेते हैं ना प्लेइंग स्टाइल को दो सेकेंड के लिए भूल जाए जो सक्सेस हमारे पास है और जो सक्सेस तुम्हारे पास है उसमें काफ़ी फर्क है मैं जमीन आसमान का नहीं कहूँगा बट काफ़ी फर्क है तो यार पहली बात तो इस बंदे ने ना एक कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट बोल दिया है क्योंकि आई एम जस नो यू नो मतलब

मड्रिड लालिका जीतती है अराउंड जून जुलाई टू थाउजेंड सेवन की एंड ही चार महीने बाद एंड मडरिड का मतलब सक्सेसफुल ईयर रहा होता है कोपा डी भी शायद से जीत जाते हैं हम लालिका तो फॉर्चर हम जीतते जीते हैं मेरे को अच्छे से याद है तो वॉट वेंट रॉन्ग तो मियाँ तो विच भाई साहब uh, की फैंस इज अब प्रडिक्टेबल

एक ये कहता है दैट बार्सलोना आर वेल ड्रेड वेल सेटल्ड इन द गेम दे लाइक टू कीप पोजिशन टिकी टाका ग्लोरियस फुटबॉल द क्रॉइफ वे पेप गाड़ी वाला वे एंड दूसरा साइड ये है कि मड्रिड का कोई सर्टन स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है एक तो यार इस टैक्टिकली बिल्ड एरा में ना वी कंप्लीटली फगट वट एक्चुअली स्टाइल ऑफ प्ले मीन्स स्टाइल ऑफ प्ले का ये मतलब नहीं होता कि आपकी टीम के टैक्टिक्स क्या हैं या आप कैसा खेलते हो आप सेट बैक करते हो या आपको पोजिशन एंजॉय करना पसंद है या यू लाइक टू अटैक मोड दैट इज नॉट वट एक्जैक्टली स्टाइल ऑफ प्ले मीन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टाइल ऑफ प्ले मीन्स आप कैसे प्लेयर्स लेते हो इन द मार्केट आप कैसे प्लेयर प्रोफाइल्स बिल्ड करते हो आपको कैसे साइड स्टाइल ऑफ प्लेयर्स चाहिए दैट डिफाइन्स योर स्टाइल ऑफ प्ले नॉट द टैक्टिक्स इन अ गेम एक्सेट्रा एक बहुत बड़ा मिसकनसेप्शन है ये लोगों के बीच में बट दैट इज नॉट द केस ठीक है

तो प्रेसिडेंट न्यूनेस जो कि बारसा का प्रेसिडेंट था उस टाइम पीरियड में उसने लिटरली क्रॉइफ को यह कह दिया था कि तुझे कुछ भी करके ये मैच जिताना है ये फाइनल अगेंस्ट रियाल मटल जिताना है अदरवाइज अदरवाइज यू विल गेट द सैक यू विल नॉट बी देयर इन चार्ज नेक्स्ट सीजन फॉर बारसा एंड 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 बारसा खेलती है ठीक है बारसा जीतती है मैच नो डाउट अबाउट दैट बारसा जीतती भी है बट बट दैट इज मोस्ट डिफेंसिव पार्ट्समेंस यू कूड एवर सी देर प्लेंग फाइव मैन एट द बैट सिक्स मैन एट द बैक एमिलियो बूतरा गो इज आर नंबर नाइन एट दैम नंबर सेवन जो भी था उसके पास एंड ही इज मैन मार्क् ना ना दादा पेप गाडियोलाम सेल्फ पेप गाडियोलाज यो नो वॉज अक्सलेंट मैन मार्कर ही वॉज अडफी तो ही वॉज गिविन द मैन मार्कर रोल तो बेसिकली बार साहब बहुत डिफेंसिव जाती है खेलने में तो जावी भाई साहब आप कहने की कोशिश क्या कर रहे थे जब आप लिटरली कोपा डेल रे इसके बेसिस पे जीते हो एंड ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है मैं तो ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं तो बारसा का कोई सर्टन डीएनए नहीं है बारसा के कोई सर्टन प्रिंसिपल्स नहीं है दिस वाज अ क्लब जो 1899 में डिस्कवर हुआ गया था ठीक है एटीन से दो का आप टाइम ले लो तो हंड्रेड एंड हो जाता है मतलब मैं जितना मैच जानता हूँ दिस इज हंड्रेड एंड एंड अगर हुआन हुआफ का ब्यूटीफुल फुटबॉल 40 साल पहले आया बेसिकली 83 थ्री ईयर्स तक आप कर क्या रहे थे 83 थ्री ईयर्स तक आपका प्ले स्टाइल कैसा था 83 थ्री ईयर्स तक आपका स्टाइल uh, ऑफ दी, ये डीएनए क्या था 83 थ्री ईयर्स पहले तक सॉरी बारसा का कुछ नहीं था कुछ नहीं था लिटरली एंड क्राइफ का भी जो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं हाँ होगा ब्यूटीफुल थ्री फोर थ्री पोजिशन बेस रखना जो भी है बट इट वॉज अ कॉपी ऑफ आई एक्स का मॉडल ऑफ वॉट ही वॉज स्टॉट एन आक्स जी हाँ दोस्तों बारसा का कोई डीएनए नहीं है यू एंड ने बेसिकली कॉपी किया बेसिकली जो उसने सीखा आई में वो बारसा में ले आया एंड ही टिको ऑब्वियसली इट अडेप्टेप गार्डियलो मोल राइकार्ड मोल एंड इवन अब जाबी भी मोल्ड कर ही रहा है वो बट लेट्स ऑल्सो लुक एट द मैनेजर जो बारशाह परस्पेक्टिव में नहीं वैसे एकदम टिट्टो वैसे नहीं कराते थे लुइस एंड्रीके अर्नेस्टो वेलवर्द की के सत्यन टीटो बेलानोवा, चार पांच कोचेज ऐसे जो बारसावे के हिसाब से नहीं खेलते थे ठीक है तो ये जो बकचोदी पहली जा रही है ना दैट मडी डोंट हैव अ सर्टन डीएनए, वी डू हैव अ सर्टन डीएनए, वी प्ले फास्ट फुटबॉल हाई प्रेसिंग अटैकिंग फुटबॉल विद वर्टिकैलिटी दैट इज वॉट रियाल मडिडा दैट इज वॉट रियाल मडिड जी एन एंड हाँ वी डेफिटली मतलब फ्लू की गोल्स के अगेंस्ट पी एस जी बी फ्लू की गोल्स के अगेंस्ट शी वी डिट डिजर्व टू वी विन ईदर ऑफ़ द गेम्स लेग का अगर हंड्रेड एंड एटी मिनट्स का गेम होता है तो उसमें से हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनट्स या हंड्रेड एंड फोर्टी मिनट्स हम खराब ही खेल के जीतते हैं आई नो दैट इज नॉट राइट आई नो आई नो बट स्टिल रियाल मडर स्टाइल ऑफ प्ले आई यू कैनॉट डिनाई दैट एंड आई हेट मडरेड फैंस जो कि ये डिनाई कर रहे हैं भाई हमारे क्लब के पास एक स्टाइल ऑफ प्ले है वी हैव डी एन ए दैट कम बैक डी एन ए वी हैव ऑल दैट इट इज इंस्टेंट सिंस मतलब आई गेस आई मे फटर जीरो जो वो डी एन ए वो प्रिंसिपल्स थे तब से इनकल्टेटेड है हमारे अंदर एंड इट्स बिन लाइक वॉट नाइनटी ईयर्स ना तो शावी जी आप कृपया करके मडर के साथ बारसा को कंपेयर ना करें सक्सेस हमें बैक करता है कहीं ना कहीं लेजेंड्स भी हमें बैक करते हैं तो सक्सेस बोलता है यार सक्सेस स्पीक्स फॉर इट्स तो जावी जी फोर निल, फोर बक्शोदी छोड़ दीजिए ठीक है अब अपने क्लब पे फोकस कीजिए अभी भी बैंक नॉट दैट एंड कमिंग टू फेस मैन सिटी इन द सेमी ऑफ द चैंपियंस लीग पहला गेम होगा ऐतिहाज स्टेडियम में एंड दूसरा विल बी इन दीस्ता देव घसो दिस आई ऑनेस्टली डोन्ट सी रियाल मेड्रड गोइंग थ्रू आफ्टर दिस बिकॉज मेरे हिसाब से एंड सूर्यांश भी अगर ये वीडियो देख रहा है एंड उसके भी हिसाब से मैन सिटी इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड आई डों फो एथलेटिको मड के सामने कैसे खेले बट वी विल बी सींग डिफरेंट मैन सिटी ऑल टूगेदर अगेंस्ट रियाल मडरिड एंड दिस इज वैन वील बी पनिश्ड फॉर ऑल द फ्लूकिश नेचर जैसा भी हम लोग का वो जो विन मेंटेलिटी विनिंग मेंटेलिटी या फिर हम पूरा मैच अच्छा नहीं खेलते हैं सडनली दस मिनट अच्छा खेल के अच्छी फिनिशिंग कर देंगे That doesn't work against Man City. They've got a very certain style of play. They've got a particular system. So it could punish us, guys. And I'm predict not game because last and Chelsea against last predict not And somehow it went good for us. I mean, I'd be the happiest person on the planet if Madrid goes through and goes in the finals. But let's see what happens. If you're watching till the end, please do subscribe to the Madrid pundits and stay tuned for no more top quality content. Ala Madrid y nada más.